Hey guys, welcome back to with Naz. Uh, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं और विंटर स्टार्ट हो चुका है ये सेंट जॉन्स की पहली स्नो है और uh, काफी हैवी स्नो हुई थी कल uh, तो अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो उसी तरह से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी सो लेट्स डिस्कस कि आपको क्या क्या लाना चाहिए कनाडा आने के लिए और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो कि यहाँ पर काम नहीं आती हमें So, without wasting any time, let's start the video. मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही है तो अंदर चल के बात करते हैं हैं बहुत से लोगों को confusion होता है जब वो लोग कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती है कि क्या लेके जाना है वहां पर क्या नहीं लेके जाना कौन सी चीज वहाँ कैनेडा में अवेलेबल है कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है तो उस हिसाब से पैकिंग करें तो मैं आज आपसे यही चीजें सब डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो आप अपनी होम कंट्री से लेकर आ सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना भी लाएं तो यहाँ पर चलेगा और वो चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जो आपके काम आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लगेज में भी जो है वो लिमिटेड अमाउंट होता है हम सारी चीज़ें हम लेके नहीं आ सकते तो वी विल डिस्कस मेन मेन थिंग्स क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको लानी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो यहाँ पर हमें काम नहीं आते तो वो हम छोड़ सकते हैं सो वी डिस्कस इन डिटेल ऑल दोज थिंग्स तो इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीट टू पैक फॉर कैनेडा और अगर आपको बीच में कुछ मिस नहीं करनी है कोई टिप तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखेगा एंड तक अगर आप अपनी लास्ट मोमेंट पैकिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आपको कुछ बाय करने का नहीं बोलने वाली हूँ आपके पास जो जो अवेलेबल है उसी में आपका काम चल जाएगा तो पहले हम बात करते हैं क्लोदिंग की क्लोदिंग में आप अपने थोड़े से फॉर्मल शर्ट्स वगैरह ला सकते हो जो भी आपके पास पड़े हुए हैं वहाँ पर अच्छे अपनी आपकी होम कंट्री में जो भी आपके पास अच्छे ब्रांड के कपड़े पड़े हुए हैं वो आप ला सकते हो वहाँ से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आ, कुछ आप दो तीन स्वेटशर्ट्स ला सकते हो जैसे मैं अपने साथ जो है वो इस तरह के आ, कुछ स्वेट लेकर आई थी जो मुझे अर्ली विंटर्स में काम आते थे और इसके अलावा जो है आप आ, फॉर्मल वेयर के लिए आप अपना एक फॉर्मल ड्रेस ला सकते हो शर्ट और ट्राउज़र ला सकते हो जो कि आपको कभी कभार शायद आपको इंटरव्यू देने की जरूरत पड़े यहाँ पर तकरीबन तो अभी ऑनलाइन ही इंटरव्यूज होते हैं लेकिन अगर आपको जाना पड़े इंटरव्यू के लिए तो आपके पास एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए जिसमें आप इंटरव्यू देने जा सको तो मेरा सजेशन ये है आपसे कि जो भी क्लोथिंग आपके पास ऑलरेडी आपकी होम कंट्री में आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ले आओ बाकी जो भी आपको न्यू शॉपिंग करनी है वो यहीं से आके करो कैनेडा में क्योंकि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है यहाँ की क्लोदिंग डिफरेंट है तो जो आपको फैब्रिक मिलेगा यहाँ पर जो आपको स्टाइल मिलेगा वो शायद आपकी होम कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो आप कैनेडा के हिसाब से यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे रीजनेबल अमाउंट में कपड़े मिल जाते हैं और कभी कभार जो है वो डिस्काउंट भी लगता है अच्छा तो आप सेल में भी कपड़े अच्छे खासे ले सकते हैं इसके अलावा जो भी आपके पास जीन्स पड़ी है वो आप घर से ला सकते हो उसके लिए अलग से शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जीन्स का वेट भी इतना होता है तो आप यहाँ भी आकर जो है वो इस तरह की क्लोथिंग ले सकते हो तो क्लोथिंग पे आपको यहाँ पर अच्छी ऑफर मिल जाएगी एक टिप है Uh, यहाँ पर थ्रिफ्ट uh, स्टोर होते हैं वैल्यू विलेजेस होते हैं तो इफ़ यू आर ओके विथ सेकेंड हैंड क्लोथिंग तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको अच्छे अच्छे कपड़े जो कि बहुत ही माइंडली यूज होते हैं वो आपको वैल्यू विलेज या थ्रिफ्ट स्टोर में मिल जाएंगे कैनेडा की पैकिंग करते वक्त हम अपने एक एका ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी डाल सकते हैं उसमें क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल इवेंट्स वगैरह होते हैं तो आपको वो उसमें काम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी वेराइटीज़ नहीं है यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लोथ नहीं मिलते हैं जो हमारे होम कंट्री में हम ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहनते हैं उस तरह के क्लोथिंग जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप जितने भी आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं अपने हिसाब से क्लोथिंग की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है विंटर वेयर और कनाडा के विंटर्स में आपको ये बहुत काम आने वाली है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी होम कंट्री से जैकेट लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल मत करना क्योंकि वहाँ के जैकेट्स आपको यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं यहाँ के जो जैकेट्स होते हैं वो यहाँ के वेदर के हिसाब से बनते हैं अगर आपके पास कोई जैकेट पड़ा हुआ है आप, आपकी होम कंट्री में तो वो आप लेके आ सकते हैं इनिशियल वेयर के लिए लेकिन जो प्रॉपर जैकेट है जो कि आपको आ, विंटर्स में चाहिए जब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस ट्वेंटी या माइनस थर्टी हो जाता है उस वक्त जो आपको जैकेट चाहिए तो वो आपका होम कंट्री का जैकेट आपको काम नहीं आएगा तो जो आपके पास जैकेट पड़ा है जो आपके पास शूज पड़े हैं और इनिशियल यूज आप लेकर आ सकते हो लेकिन जो विंटर में स्पेसिफिकली जैकेट पहनना होता है वो आप यहीं से आके लो क्योंकि यहाँ पर जो जैकेट्स मिलते हैं वो यहाँ के विंटर के हिसाब से मिलते हैं जब आप यहाँ पर आकर जैकेट्स लोगे तो उसमें टैग्स लगे हुए होंगे कि ये जैकेट जो है वो माइनस थर्टी तक चलेगा ये जैकेट जो है आप वो माइनस फोर्टी तक में पहन सकते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पर आकर जैकेट्स लो इसके अलावा अगर आपके पास बीनीस पड़ी हुई हैं जो इससे हम बिनी कहते हैं या टोपी कह लो जो भी है तो वो आप लेके आ सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है वहां से खर्चा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके भी आप जो है वो ये बिनी ले सकते हो इसके अलावा विंटर वेयर में जो है वो बूट्स आते हैं स्नो बूट्स वो आप कैनेडा आके ही परचेस करना क्योंकि वो यहाँ के विंटर के हिसाब से ही बने हुए होते हैं आ, सेकेंड ये कि यहाँ पर जो है वो जब बर्फ बिल्कुल जम जाती है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाती है तो हमारे जो नॉर्मल शूज होते हैं जो रनिंग शूज होते हैं वो उस विंटर में काम नहीं आते तो अगेन ये मेरा सजेशन है कि आप जो भी विंटर वेयर लोगे वो आप कनाडा आके ही लेना क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर जैसे मैं बाय uh, प्रोफेशन एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ तो यहाँ पर जो नर्सिंग का जो है वो एक कोई यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे आप स्क्रब्स पहन सकते हो तो अगर आप अपने होम कंट्री में uh, स्क्रब्स हैं आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए तो वो आप लेकर आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्क्रब्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं आ, तो अगर आपके पास होम कंट्री में अच्छी क्वालिटी की स्क्रब ऑलरेडी हैं तो आप वो लेके आ सकते हो सेकंड uh, कैटेगरी आती है बेडशीट्स की बेडशीट्स में जो है आप अपने पास आपके पास जो भी uh, दो तीन बेडशीट्स पड़ी हैं वो आप ले आना क्योंकि यहाँ पर आपको काम आएंगी इनिशियली फिर बाद में आगे जाके आप दूसरी यहाँ से बेडशीट्स ले सकते हो वैसे तो यहाँ पे हर घर में हीटर्स लगे हुए होते हैं लेकिन अगर आपके पास लगेज में स्पेस है तो आप एक आध ब्लैंकेट लेके आ सकते हो आ, मोटे मोटे रजाई वगैरह लाने की जरूरत नहीं है एक पतला सा ब्लैंकेट भी आपको काम आ जाएगा तो वो आप लेके आ सकते हो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या, -क्या चीज़ें आप लेके आ सकते हो क्या क्या, -क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए आ, पहले तो आपका आ गया मोबाइल और लैपटॉप जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो वो आप मोबाइल लेकर आ सकते हो लैपटॉप अगर आपके पास ऑलरेडी है अपनी होम कंट्री में तो वो आप लेके आ सकते हो लेकिन अगर आपको नया लेना है तो आप होम कंट्री से नहीं लो वो आप यहाँ पर आकर परचेज कर सकते हो तो अगर आपके पास लैपटॉप वहाँ पर नहीं है और आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप यहाँ पर आकर कैनेडा आकर लैपटॉप परचेज करो इसका फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको इस लैपटॉप की यहाँ पे वारंटी मिलेगी प्लस अगर कुछ खराब होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो इजीली आपको रिप्लेस हो जाएगा थर्ड ये कि उसका जो पावर सॉकेट होता है या वोल्टेज होता है वो आपको यहीं के हिसाब से मिलेगा अगर आप अपनी होम कंट्री से लैपटॉप या मोबाइल लाते हो तो आपको अपने साथ जो है वो यूनिवर्सल अडेप्टर या कन्वर्टर लाना पड़ेगा क्योंकि वोल्ट्स का डिफरेंस होता है आपकी होम कंट्री में और कैनेडा में क्योंकि अगर आप अपनी होम कंट्री से लैपटॉप परचेज करके लाओगे तो उसका पिन डिफरेंट होगा यहाँ के मुकाबले में जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर लाई थी आ, तो वहाँ पर जो आ, हम लोग दुबई में थे वहाँ पर जो पिन यूज़ होता था वो थ्री पिन यूज़ होता था बट यहाँ ये मेरे कोई काम का नहीं है आ, अगर मेरे पास कन्वर्टर है तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ तो कभी कभार यूनिवर्सल कन्वर्टर भी जो है वो आपके आ, उस मशीन के वोट को जो है वो सपोर्ट नहीं करते और आ, कुछ हद तक जो है वो चीज़ें खराब होने के भी चांसेस हैं तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हम अपने साथ जो है वो आयरन लेकर आए थे थ्री पिन वाली मैं अपना हेयर ड्रायर लेकर आई थी थ्री पिन वाला जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्ट्रेटनिंग मशीन लेकर आई थी थ्री पिन वाली आ, तो जब हमने यूनिवर्सल कन्वर्टर में वो लगा के यूज़ किया तो आयरन का जो है वो इतना ज़्यादा पावर नहीं आ रहा था उससे कपड़े सी नहीं हो रहे थे और इवेंचुअली जो है वो वो ख़राब हो गई प्लस मेरा जो हेयर ड्रायर था उसमें भी जो है वो वोल्टेज इतना इनफ नहीं था वो सही काम नहीं कर रहा था तो मुझे यहीं से फिर वो चीज़ें दूसरी परचेज करनी पड़ी तो मुझे जो इससे नुकसान हुआ वो ये हुआ कि मेरा जो है वो लगेज में वेट यूज़ हुआ उसके रिप्लेसमेंट में अगर मैं कुछ और चीज़ें ला सकती थी मेरी वो मिस हो गई प्लस मेरा लगेज वेस्ट हुआ और इन फ्यूचर में जो है मुझे वो चीज़ें काम भी नहीं आई इवेंचुअली मुझे वो दूसरी चीज दूसरा परचेज़ करना पड़ा तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी होम कंट्री से यूनिवर्सल कन्वर्टर ज़रूर ले आना क्योंकि वह आपको अपना मोबाइल चार्ज करने में आपका टैबलेट चार्ज करने में काम आएगा इनिशियली बाद में यहाँ पर आकर जो है वो आप प्रॉपर जो यहाँ का टू पिन चार्जर है वो आप ले सकते हो आ, इसके अलावा यहाँ की जो चीज़ें हैं वो गलती से भी जो है ना वो अपने यूनिवर्सल कन्वर्टर में नहीं लगा देना क्योंकि देन वो ख़राब हो जाएगा मेरे साथ ये हो चुका है यूनिवर्सल कन्वर्टर जो है वो ऑलरेडी सॉकेट में लगा हुआ था और उसमें मैंने यहाँ का टू पिन है ड्रायर लगा दिया और मेरा जो यूनिवर्सल कन्वर्टर है वो ख़राब हो गया तो मेक श्योर ऐसी गलती ना कीजिएगा जो मैंने की इसके अलावा ब्लेंडर हेयर स्ट्रेटनर हेयर ड्रायर आयरन ये सब लेके आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम पॉइंट उसका थ्री पिन होता है यहाँ पर वो चलेगा नहीं फॉर लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर जो है वो काफी अच्छी सेल लगती है तो, तो आप यहीं से वो चीज़ें परचेज कर सकते हो किचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है खासकर हम लेडीज के लिए तो उसके बारे में बात करते हैं कि किचन से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स हम ला सकते हैं कैनेडा पहले तो हो गए पॉट्स हम दो तीन पॉट्स ला सकते हैं जिसमें हम खाना बनाएंगे ठीक है इसके अलावा जो है वो चाय के लिए पॉट लेके आ सकते हैं छन्नी लेके आ सकते हैं थोड़े बहुत स्पून फोर्क्स नाइफ ये सब चीज़ें लेके आ सकते हैं लेकिन वो कोशिश करें कि वो मिनिमम क्वांटिटी में लाएं क्योंकि तो यहाँ पे अगेन सब चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको अपने लगेज का भी ध्यान रखना है कि आपको कितना लगेज अलाउ है उसके हिसाब से आप यूटेंसिल्स लेकर आएँ ज़्यादा भारी यूटेंसिल्स आने की ज़रूरत नहीं है Uh, दो तीन आप प्लास्टिक की प्लेट्स डाल सकते हैं बाउल्स डाल सकते हैं अगर आपके पास लगेज में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप ये चीज़ें सब लाना अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं जैसे डोल है यहाँ पर स्टोर वैल्यू विलेज है तो यहाँ पे ये चीज़ें ईजिली आपको मिल जाएंगी और रीजनेबल रेट में मिल जाएंगी तो आप uh, एक आध सामान अपने साथ ला सकते हैं यूटेंसिल्स का बहुत ज़्यादा भर के चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है खाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है वो पैकिंग में आप ड्राई चीज़ें डाल सकते हो जैसे मसाले हो गए Uh, कुछ uh, मिठाई वगैरह हो गई वो सब चीज़ें आप लेके आ सकते हो बट मेक श्योर कि आप uh, कुछ चिकन का या कोई मीट का आइटम ना लाओ क्योंकि वो लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं जब हम यहाँ पे कनाडा पहुँचेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप डिक्लेयर करोगे कि आप ये चीज़ें आप नहीं लाए हो तो उसमें एक ऑप्शन भी है कि आर यू कैरिंग एनी फूड आइटम आर यू कैरिंग एनी चिकन और मीट आइटम विथ यू तो अगर आप कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हो जो आपको डिक्लेयर करना पड़े एयरपोर्ट पे कि ये आइटम आप लाए हो और अगर आपने उसको नो किया उस फॉर्म में और चेकिंग के वक्त जो है वो चीज़ पकड़ी गई तो आपको काफी फाइन पे करना पड़ सकता है तो मेक श्योर जो भी आप डिक्लेयर करो वो सच क कि आप ये चीज लेकर आए हो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मीट के आइटम्स को चिकन के आइटम को अवॉइड uh, करें क्योंकि ये चीजें पे अलाउ नहीं है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो मुझे ये नहीं पता था और मैं चिकन के कबाब बना कर लेके गई थी फ्रीज करके ये सोच के कि हम अपने इनिशियल डेज में जो है वो खाने के काम आ जाएंगे लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुंचे हमें जो फॉर्म दिया गया हमें जो भरा उस, उसमें यही पॉइंट था कि आप मीट या चिकन तो कैरी नहीं कर रहे हो तो अफकोर्स हमने येस yes किया और हमारा बैग खुलवाया और चिकन का जो भी आइटम था वो उन्होंने जो है वो डिस्कार्ड कर दिया तो मेरा यही सजेशन है कि डोंट ब्रिंग एनी चिकन और मीट आइटम विथ यू क्योंकि वो अब यहाँ पे बैन है आ, बाकी आप ड्राई चीज़ें ला सकते हो जैसे आ, मसाले वगैरह हो गए वो आप ला सकते हो आ, मिठाई हो गई स्वीट्स हो गए वो ला सकते हो चॉकलेट्स वगैरह वो ला सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो मेडिसिन की है मेक श्योर sure आप अपने साथ कुछ मेडिसिन लेकर आओ फॉर एग्जाम्पल फ़ीवर की मेडिसिन कोल्ड एंड कफ़ की मेडिसिन एलर्जी uh, की मेडिसिन क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन काफ़ी महंगी हैं तो आपको इनिशियल डेज में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन आपको काम आएंगी सेकेंडली uh, ये कि uh, जो भी आप मेडिसिन अपने साथ ला रहे हो मेक श्योर sure आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनवा कर लाओ क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे वो लोग चेक करते हैं तो दे नीड अ प्रिस्क्रिप्शन जो जो मेडिसिन आप कैरी कर रहे हो मोस्टली uh, तो वो लोग चेक नहीं करते हैं जैसे हमारा उन्होंने चेक नहीं किया था बट स्टिल इनकेस अगर चेक कर भी रहा है तो आपके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो जो आप मेडिसिन लेकर आ रहे हो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर sure कि आप उनके लिए कोई फीवर की या कोल्ड कफ की मेडिसिन जरूर ले आना फ्रॉम होम कंट्री टू कैनेडा यहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज है अभी काफ, काफी ठंड आ चुकी है तो वेदर चेंज की वजह से जो है वो कोल्ड एंड कफ हो सकता है फीवर हो सकता है तो उस वक्त आपको कहीं पर मेडिसिन के लिए भागना ना पड़े तो मेक श्योर sure कि आप बच्चों के लिए जो है स्पेशली मेडिसिन ज़रूर लेकर आना जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हम जब यहाँ पर आए थे तो सेकेंड या थर्ड डे जो है वो मेरी बेटी को जो है वो फ़ीवर हुआ था बिकॉज ऑफ विंटर चेंज क्योंकि काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी तो मेरे पास मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल थी जो कि मैंने यूज़ uh, की तो मेक श्योर sure अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने साथ थोड़ा सा कैश लेके आ सकते हो जो आपको इनिशियल डेज में आपके लिए काम आएगा मेक uh, श्योर sure कि आप uh, जो है वो स्मॉल बिल्स में लेकर आओ स्मॉल नोट्स में लेकर आओ कभी कभार यहाँ पर चेंज मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आने से पहले आप अपने बैंक से भी जो है वो डिस्कस uh, कर सकते हो बैंक से क्लियर कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है और पैसे ट्रांसफर कराना है तो वो क्या प्रोसेस है वहाँ का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हो वो यहाँ पर टाइम बिंग चल सकता है या नहीं तो ये चीजें आपके बैंक से जो है वो जरूर चेक करके आना नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की है डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी काफी इम्पोर्टेंट है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लाने चाहिए मेक अ लिस्ट ऑफ दैट आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके uh, जो भी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लाए मेक श्योर जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हो वो वेरीफाइड हो अटेस्टेड हो एज रिक्वायर्ड बाय दिन गवर्नमेंट तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इक्वेबलेंट होने चाहिए कैनेडियन स्टैंडर्ड से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होंगे या इक्वेबलेंट नहीं होंगे तो आपको दोबारा अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी होम कंट्री भिजवा के उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा जिसके लिए एक तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा प्लस आपको जो है वो कुरियर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो इससे बेटर यही है कि आप कनाडा आने से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्ट करवा लें वेरीफाई करा लें डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट uh, है जो क्या है आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पॉइंट है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का लाइसेंस हो तो वो आपको यहाँ पर कैसे काम आ सकता है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रही हूँ अगर आपको उस बारे में जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा एक और टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपका बैग पूरा भर चुका है आपके कपड़ों और दूसरी चीज़ों के वॉल्यूम की वजह से और आपके पास स्टिल वेट अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल टू टू थ्री के जी अभी भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको अपना वॉल्यूम कम करने के लिए आप वैक्यूम बैग्स यूज कर सकते हो वैक्यूम बैग्स क्या होते हैं कि आप उसमें कपड़े वगैरह डाल के और उसको वैक्यूम करो तो वो आपका अगर इतना सा इतना वॉल्यूम ले रहा है वैक्यूम के बाद आपका जो है वॉल्यूम वो श्रिंक हो जाएगा तो वो इतने से इतना हो जाएगा तो आपके बैग में और स्पेस हो जाएगी जिसमें आप अपना टू टू थ्री के जी जब बच गया था वो आप फिर यूटिलाइज कर सकते हो तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपकी पैकिंग में आपको काफ़ी हेल्प आएगी तो जब आप पैकिंग कर रहे हो या पैकिंग के दौरान आपको uh, कोई क्वेश्चन आता है जहन में या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मैं वहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स करती हूँ तो आई होप जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपके काम आए होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पैकिंग फॉर कैनेडा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी हैव अ सेफ फ्लाइट तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रॉम गपशप विद नार्ज